कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे आज सीएम पुष्कर सिंह धामी। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुरकुर गांव में बन रहे सैन्य धाम के निर्माण स्थल का सीएम निरीक्षण करने पहुंचेंगे। उनके साथ सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहेंगे। सुबह 8:30 बजे खटीमा उधम सिंह नगर से देहरादून के लिए सीएम रवाना होंगे। तो अजय पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इसी खबर पर लाइव, उनका रुख करेंगे। अजय, जानकारी चाहेंगे, एक के बाद एक बैक टू बैक कार्यक्रम आज रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के, क्या कुछ जानकारी सबसे पहले तो आपके पास अपडेट? मुख्यमंत्री कल खटीमा के दौरे पर यानी उधम सिंह नगर जिले में थे और अपने पैतृक आवास पर उन्होंने कल रात्रि विश्राम किया और वहां से अब वो राजधानी देहरादून पहुंच गए हैं और जो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं जो नागरिक सुरक्षा संगठन का और होमगार्ड का कार्यक्रम है उसके निदेशालय में वो पहुंचे हैं और वहां पर वो कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कार्य में जुटे हुए हैं नागरिक सुरक्षा संगठन के, तो उनको वो सम्मानित करेंगे और आज स्थापना दिवस कार्यक्रम है तो इसमें कई अन्य कार्यक्रम भी होंगे, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पुरकुल गांव जाएंगे। पुरकुल गांव में शहीदों के लिए बड़ा आयोजन किया जा रहा है और सैन्य सम्मान यात्रा जो निकाली जा रही है जहां शहीदों के गांव की मिट्टी लाई जा रही है, उनके आंगन की मिट्टी लाई जा रही है और यहां पर सैन्य धाम देहरादून में निर्माण किया जा रहा है। तो कल जो शहीदों के यहां से मिट्टी लाने का कार्यक्रम है कल समापन होगा और देहरादून में बन रहे सैन्य धाम में उन मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आज मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, पुरकुल गांव में पहुंचेंगे और वहां पर वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे कि किस तरह से वहां पर सैन्य धाम का निर्माण किया जाएगा। क्योंकि 13 तारीख से सैन्य धाम के निर्माण की पूरी प्रक्रिया तेजी के साथ शुरू कर दी जाएगी और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। क्योंकि उत्तराखंड सैन्य बाहुल प्रदेश है और भारी तादाद में लोग सेना से जुड़े हुए हैं, सेना से अब बहुत सारे परिवार जुड़े हुए हैं। ऐसे में लोगों की जो भावनाएं हैं भावनात्मक रूप से इसको लेकर के जुड़ाव है, तो वहां पर मुख्यमंत्री खुद स्थलीय निरीक्षण करके और वहां पर जो कार्य होने हैं आने वाले समय में उसमें किस तरह से तेजी लाया जाए उसको लेकर के दिशा निर्देश देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बन्नू स्कूल के ग्राउंड में पहुंचेंगे जहाँ पर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पूरी तरह से ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री का सम्मान समारोह हम कह सकते हैं क्योंकि तमाम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां रही हैं लंबे समय से उनकी मांग रही है कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी की है। उसके साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए तमाम अन्य कार्यक्रमों का भी और कई घोषणाएं भी की है, तो उसको लेकर के आज महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से मुख्यमंत्री का सम्मान किया जाएगा। कई वहां पर भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और मुख्यमंत्री के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहेंगी। इसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचेंगे और सचिवालय में वो अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। देहरादून के प्रेम नगर में अतिक्रमण के चलते बहुत सारी दुकानों को तोड़ा गया था और बाद में उनसे ये कहा गया था जो दुकानदार थे क्योंकि लंबे समय से वहां पर वो अपने रोजगार को चला रहे थे, तो उनको ये कहा गया था कि सरकार की ओर से उनको एक कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा जहां पर वो अपनी दुकानों का संचालन करेंगे, तो उनको कहां पर समायोजित किया जाए इसको लेकर के भी आज की बैठक जो सचिवालय में होगी वहां पर मुख्यमंत्री उनको दिशा निर्देश देंगे। इसके बाद सचिवालय संघ की ओर से सचिवालय में मुख्यमंत्री का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। चूंकि उत्तराखंड के कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनके स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के जो गोल्डन कार्ड बना हुआ है उस गोल्डन कार्ड में तमाम खामियां रही हैं, उन खामियों को दुरुस्त किया जाए और नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किए जाएं। इसके साथ साथ जो शिथिलीकरण नियमावली है 2010 उसको पुनः स्थापित किया जाए, क्योंकि उसको बाद में यहाँ उत्तराखंड से रद्द कर दिया गया था और जो कर्मचारियों के प्रमोशन और इत्यादि जो तमाम मामले हैं उन मामलों में उनको राहत नहीं मिल पा रही थी, तो कर्मचारियों को राहत देने के लिए शिथिलीकरण नियमावली 2010 है उसको पुनः स्थापित किया गया है और कर्मचारी संगठन काफी खुश है। तो आज सचिवालय संघ की ओर से सचिवालय में कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री का सम्मान किया जाएगा, उनको आभार उनका जताया जाएगा कि उन्होंने कर्मचारियों की बातों को माना
और लंबे समय से कर्मचारी जिस बात को लेकर के मांग कर रहे थे उस पर उन्होंने एक सार्थक प्रयास किया, एक पहल की और कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया। उसके बाद शाम को 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। अपने तमाम सहयोगियों के साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर वो चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे और कैबिनेट में तमाम विषयों पर मुहर लगेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री अपने सीएम आवास जाएंगे और सीएम आवास में देर रात तक मुख्यमंत्री शासकीय कार्य करेंगे। इस तरह का कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री का तैयार किया गया, तय किया गया, निर्धारित किया गया है और अब मुख्यमंत्री इस समय चूंकि होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा संगठन के मुख्यालय में मौजूद है और वहां पर वो कार्यक्रम में शामिल है और कार्यक्रम के बाद वो अन्य जगहों पर जो बाकी के जो कार्यक्रम होंगे वहां पर वो शामिल है। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का भी जो कार्यक्रम है वो काफी व्यस्त कार्यक्रम है। देहरादून में मौजूद रहेंगे और देर रात तक वो शासकीय कार्यों को निपटाएंगे। इस वक्त चलिए ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।